नमस्कार, मैं हूं विदिशा शांडिल्य और आप सब देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। कुरुक्षेत्र के थानेसर में विकास की गति को और तेज करने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2021 से 22 के 36 करोड़ 35 लाख के बजट पर नगर परिषद ने मोहर लगा दी है। आपको बता दें कि इस बजट में सभी वार्डों के विकास कार्यों, लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने और सहूलियत देने पर विशेष फोकस रखा गया है। इस बजट में आगामी वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए गृहकर मद के रूप में 3 करोड़ 50 लाख और स्टाम्प ड्यूटी मद के तहत 15 करोड़ 50 लाख के बजट का प्रावधान किया गया है। वहीं नगर परिषद अध्यक्षा उमा सुधा ने कहा कि वित्त वर्ष 2021 से 22 का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया है। वर्ष 2020 से 21 का अनुमानित शेष 66,83,502 रुपए था और वर्ष 2021 से 22 की अनुमानित आय 36 करोड़ 35 लाख तय की गई है और आगामी वित्त वर्ष में 36 करोड़ 33 लाख के खर्चों का अनुमान लगाया गया है। नगर परिषद द्वारा वर्ष 2020 से 21 के बजट के गृहकर के मद के रूप में कुल 2 करोड़ 21 लाख 40 हजार 40 रुपए की आय हुई और आगामी वित्त वर्ष के लिए गृहकर मद के रूप में 3 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इधर थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि हाउस की बैठक में वित्त वर्ष 2021 से 22 के बजट और सामान्य एजेंडे पर पार्षदों की मोहर लगाई गई है। आज हाउस की बजट की मीटिंग थी, लगभग 36 करोड़ 35 लाख का बजट था जो सर्वसम्मति से पास हुआ। मैं खास तौर पे जितने भी हमारे विपक्ष के पार्षद हैं मैं उनका धन्यवाद करूँगा, इस मीटिंग में बड़ी सर्वसम्मति से सारा पास हुआ। अन्य मुद्दे भी थे वो भी बड़ी सर्वसम्मति से सारे पास किए गए और विकास कार्य के बारे में चर्चा हुई, सभी बारे में चर्चा हुई। तो आज की मैं मीटिंग कहूँगा सभी विधायकों ने बड़ी अच्छी प्रकार से, ना पक्ष को देखे ना सत्ता पक्ष को देखे, बड़ी पीसफुल मीटिंग जिसको कहते हैं वो हुई। मैं पक्ष के सभी पार्षदों का अपने सदस्यों का धन्यवाद। कितने के बजट प्रस्ताव पास किए गए हैं, कुछ ऐसे खास मुद्दे रहे हों जो विधायकों ने उठाए, सॉरी जो पार्षदों ने उठाए वो पास किया? पार्षदों ने मेन तो बात की आज बजट की मीटिंग, बजट जो होता है बजट ईओ हमारा प्रस्तुत करता है, वो जो बजट होता है वो हाउस चार्ज की रिकवरी का बजट होता है, किस प्रकार से डेवलपमेंट का होना है, किस प्रकार से दिवाली का फंड अलग अलग पे फंड से कारण ये बजट होता है। अगर कहो तो मैं फिगर वाइज बता दूं आपको, तो वो बजट होता है उस बजट के ऊपर लेके आते हैं, तो बजट को सरस्वती सब ने पास किया। उसके अंदर उसके बाद एक मीटिंग और थी जिसके अंदर जो जनरल मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग के अंदर हमारे दो तीन मुद्दे थे तो वो मुद्दे असर सब से पास हो गए। कुछ मेंबरों ने अपने और कार्य के लिए उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ दो लगे हैं, उनका वो जिम लगे हैं, एक जिम और लगाया जाए। किसी ने मेरे कहा कि मेरे यहाँ पानी की पाइपलाइन पड़ी है उसको लगाया जाए। अपनी अपनी बात को रखा, उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इसका लिया और 50 नए डंपर लेने के लिए इस मीटिंग में पास किया गया। और एक बड़ी बात और आई, एक मेंबर गुजरात सिंह जी ने रखा कि जो कॉलोनियाँ 50% से ऊपर बन चुकी है उनका नॉन ड्यू सर्टिफिकेट कमेटी इशू नहीं कर रही, तो सिर्फ अप्रूव का कर रही है, उसके लिए हम सरकार को ये प्रस्ताव आगे भेजेंगे ताकि उन बेचारों का भी उनके नॉन ड्यू सर्टिफिकेट मिल सके। ये सबसे बड़ा मुद्दा था कि हमारे गुजरात काजल सिंह रखा और इसके अंदर सभी मेंबरों ने सबसे आज जितना भी मीटिंग हुई सर्वसम्मति से सभी पार्षद उपस्थित थे। हाँ, सभी उपस्थित थे और सर्वसम्मति से सारा पास हुआ है नगर परिषद के। तो आज हाउस की मीटिंग थी, क्या कुछ प्रस्ताव पास किए? मोस्टली तो हम लोगों की बजट की मीटिंग थी जिसमें कि हम लोगों का 36 करोड़ 35 लाख इनकम का था और उसमें जो एक्सपेंडिचर है वो 36 लाख 33 करोड़ के आसपास हम लोगों ने ऐसा प्रस्तावित किया है। पूरे जो बजट मीटिंग थी पूरी सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। उसके बाद हमने एक छोटी सी जनरल मीटिंग रखी थी जिसके अंदर सभी पार्षदों ने अपने अपने डिमांड्स के हिसाब से बताया कि किसी के दो जिम लग गए हैं, किसी का एक जिम लग गया है, उन्होंने अपनी डिमांड्स दी हैं। जो रोड्स बाकी रहते हैं, जो पेंडिंग कार्य हैं, वो हम लोगों ने 12 करोड़ के लगभग ऑफिसे डीसी ऑफिस डायरेक्टर ऑफिस जा चुके हैं, बस वो पैसा अफंड आते ही हम लोग बाकी जो पेंडिंग काम है वो शुरू करते हैं। सभी जो पार्षदों ने हैं वो अपनी डिमांड्स बताई हैं, वो नोट कर लिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।